साथियों, फ्रांस का गौरवगान करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दुनिया को इन तीन शब्दों की शक्ति समझाने वाला देश फ्रांस है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। जिस समय विश्व के अधिकांश देश भारत को सिर्फ आधिपत्य जमाने की दृष्टि से देखते थे, तब नोबेल पुरस्कार विजेता रोमा रोला ने कहा था, इंडिया इज द मदर ऑफ आवर सिविलाइजेशन। भारत का हजारों वर्ष पुराना इतिहास, भारत का अनुभव विश्व कल्याण के लिए भारत के प्रयासों का दायरा बहुत बड़ा है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और भारत मॉडल ऑफ डायवर्सिटी भी है। यह हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। साथियों, हमारे यहां कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। यानी हर कुछ दूरी पर भारत में पानी का स्वाद बदल जाता है और वाणी यानी लैंग्वेज भी बदल जाती है। भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, 1000 से ज्यादा बोलियां हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में हर रोज 32,000 अलग अलग न्यूज़पेपर छपा करते हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में 900 से ज्यादा न्यूज ब्रॉडकास्ट यानी चैनल्स पर, टीवी पर न्यूज ब्रॉडकास्ट होते हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में करीब करीब 400 रेडियो चैनल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। भारत में आज भी लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं, स्क्रिप्ट्स हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि भारत अपनी इस महान परंपरा को आज भी जीवंत बनाए हुए है। भारत के स्कूलों में, भारत के अलग अलग कोनों में करीब करीब 100 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं और बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है। और इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा भारत की भाषा है, हम भारतीयों की भाषा है। और साथियों, भारतीय भाषाओं की इस डायवर्सिटी का आनंद
अब दुनिया भी ले रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा टेनिस लीजेंड रोजर फेडरर को विंबलडन ने थलाइवा कहा था। यही डायवर्सिटी हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज इसी ताकत के दम पर हर भारतीय अपने सपने पूरे कर रहा है, देश और दुनिया को आगे बढ़ा रहा है। आज कौन ये सुनकर गर्व से नहीं भर जाएगा कि भारत 10 साल में दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। और ये गर्व सिर्फ भारतीयों को ही नहीं होता है, आज पूरी दुनिया ये विश्वास करने लगी है कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में देर नहीं लगेगी। आपने हाल में आई यूएन की एक रिपोर्ट भी जरूर देखी होगी। उस रिपोर्ट में यूएन कहता है सिर्फ 10-15 साल के भीतर ही भारत ने 415 मिलियन यानी लगभग 42 करोड़ देशवासियों को, 42 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आप कल्पना कर सकते हैं 415 मिलियन यानी ये पूरे यूरोप की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ये पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। आईएमएफ की भी एक स्टडी कहती है कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी अब खत्म होने के कगार पर है। भारत जब इतना बड़ा काम करता है तो इसका फायदा सिर्फ हमें ही नहीं, सिर्फ भारत को ही फायदा होता है ऐसा नहीं, लेकिन पूरी मानवता को लाभ होता है। भारत के आगे बढ़ने से दुनिया के डेवलपमेंट पैरामीटर्स बदलते हैं, उनमें सुधार में उछाल आ जाता है और दुनिया के दूसरे गरीब देशों को भी विश्वास आता है कि हां हालात बदल सकते हैं, गरीबी दूर हो सकती है।